प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम पालमपुर गांव की कहानी जो पाठ है उसके अंतर्गत जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पालमपुर में कृषि। अब पालमपुर में कृषि का मतलब ये हुआ कि पालमपुर में खेती कैसे होती थी नहीं होती थी उसके अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तीन चीज हम जान ले, ये है ऋतु। ये क्या है? ऋतु। ये है ऋतु। ऋतु में समय, कैसा समय है, कौन सा समय है उसको हम ऋतु कहते हैं। और ये है अवधि। अवधि का मतलब होता है कि कौन से समय से कौन से समय तक, यानी कौन से महीने से कौन से महीने तक। तीसरा है ये फसल, यानी फसल। फसल का मतलब होता है कौन सा फसल हमें उगाना है, कौन सा फसल नहीं उगाना है, कौन से समय। अब सबसे पहला जो पॉइंट है ये है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु में कौन सा फसल? खरीफ फसल उगाते हैं। वर्षा ऋतु में खरीफ फसल उगाते हैं और इसका अवधि जो है वो है जुलाई से लेकर अक्टूबर तक, यानी जुलाई महीने से लेकर अक्टूबर महीने तक इसका समय होता है खरीफ फसल उगाने का। उसके बाद है ये कौन कौन सा फसल उगाना है, उसमें ज्वार, बाजरा, चावल, कपास, गन्ना, तंबाकू, ये सारे फसल जो है आपको वर्षा ऋतु के समय में उगाते हैं जिसका समय होता है जुलाई से लेकर अक्टूबर का। और इसमें ज्वार, बाजरा, चावल, कपास, गन्ना और तंबाकू, ये फसल उगाया जाता है। दूसरा पॉइंट है शरद ऋतु, यानी शरद ऋतु में कौन सा फसल उगाते हैं? रबी फसल। शरद ऋतु में रबी फसल उगाते हैं और इसका समय क्या होता है? अक्टूबर से लेकर मार्च तक। इसका समय अक्टूबर से मार्च तक का होता है और इसमें कौन कौन सा फसल उगाया जाता है? गेहूं, सरसों, दालें, आलू, इस तरह से ये सारे फसल जो है इस शरद ऋतु के समय में उगाते हैं जिसका समय होता है अक्टूबर से लेकर मार्च तक। तीसरा है ग्रीष्म ऋतु, यानी ग्रीष्म ऋतु में कौन सा फसल उगाते हैं? जायद फसल। उस फसल का नाम रखा गया है जायद फसल और इसका समय क्या होता है? मार्च से लेकर के और जून तक का समय होता है। इस मार्च से जून के समय में इसको उगाया जाता है और फिर इसका एक इसलिए इसको समय बताया गया मार्च से जून का। और कौन कौन सा फसल होता है इसमें? तरबूज, उसके बाद खीरा, फलियां, सब्जियां, फूल, इस तरह से इन समय में जो है ये तीन फसल उगाए जाते हैं। वर्षा ऋतु में खरीफ फसल और शरद ऋतु में रबी का फसल और ग्रीष्म ऋतु में जायद का फसल। और इसका अलग अलग समय होता है और उसमें कौन कौन सा फसल उगाया जाता है उसका ये सारे नाम। ओके बेटा, बाय।